जय भोले जी की। देखिए हम जाऊँ पहुँच गए हैं और ये भंडारा लगा हुआ है, ठीक है ना, पंजाब वालों का। और बाकी आगे हम देखते हैं क्या क्या सुविधा है यहाँ पे। ना भाई, दिखाने की तैयारी चल रही है। जय भोले जी की। बाबा कितने साल से भंडारा लगा रहे हो? हम जे भंडारा पिछले 11 सालों से लगा रहे हैं जी। अरे कहाँ पे लग रहा है? जे तहसील निर्मंड गांव जाऊँ, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। अच्छा, भोलेनाथ की सेवा में हम पिछले 11 साल से यहाँ पे बैठे हैं। बाबा यहाँ क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे हमारे पास 24 घंटे चाय, खाना, रहना और मेडिकल की टोटली सुविधा है हमारे पास। अच्छा, और नीचे बाथरूम वगैरह कैसे है बाबा? हमारे पास 4 अटैच बाथरूम है और 2 दूसरे बाथरूम है हमारे। कितने बंदे रह सकते हैं एक टाइम में यहाँ पर अंदाजा? हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास रोज का डाटा आ रहा है, 300 से 400 यात्री हमारे पास रोज रात को रुक रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। बाकी और कुछ बाबा यहाँ कमी लगी हो आपको? नहीं, इस प्रशासन की तरफ से प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है सभी लंगर वालों के लिए। बाकी यात्रा तो आपको पता ही है काफी कठिन है, प्रशासन अपनी कोशिश जारी रख रहा है अभी ज्यादा से ज्यादा रास्ते बनाए जाएं। और इस बार जो यात्री ऊपर से आ रहे हैं वो काफी हद तक प्रशासन की सेवाओं से संतुष्ट भी हैं। ठीक ठीक बाबा, ठीक है बाबा, जय भोले जी की। जय भोले।